दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। जिस रास्ते से वह गुजरता वहां कोसों दूर इंसान तो क्या, इंसानों की छाप तक मिलनी बंद हो जाती थी। जहां जहां वो जाता लोग इलाका खाली करके उसकी पहुंच से दूर निकल जाते। जानते हैं क्यों? क्योंकि इंसान के भेस में वो एक खूनखार जानवर था। पैसे के लिए वो लोगों को अपना निशाना बनाता था और उसका हथियार था रुमाल। जी हाँ, एक पीला रुमाल। वो रुमाल से अपने शिकार को मौत के घाट उतारता था। एक नहीं, दो नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, बल्कि पूरे 931 लोगों को उसने अपने पीले रुमाल के जरिए मौत के घाट उतारा। व्यापारी, काफिला और पीला रुमाल, ये दास्तां है एक ऐसे ठग की जिसे दुनिया का आज तक का सबसे खतरनाक सीरियल किलर का खिताब हासिल है। बहराम नाम का ये ठग असल में था बेरहम ठग। वह भोले भाले व्यापारियों के काफिले को अपना निशाना बनाता था। बहराम ठग का दिल्ली से लेकर ग्वालियर और जबलपुर तक इस कदर खौफ था कि लोगों ने इस रास्ते से चलना भी बंद कर दिया था। बहराम ठग को समझने के लिए हमें उसी युग में चलना होगा जिसमें उसका खौफ सबसे ज्यादा हुआ करता था, यानी 1765 से 1840 तक का समय, जिसमें 18वीं सदी खत्म होने को थी और मुगल साम्राज्य भी खत्म होने की कगार पर था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश में अपनी जड़ें जमा ली थी। ब्रिटिश पुलिस देश में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटी हुई थी, लेकिन दिल्ली से जबलपुर के रास्ते में पड़ने वाले थानों में शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता था जब कोई पीड़ित आदमी अपने किसी करीबी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज ना कराने आता हो। अंग्रेज अफसर परेशान थे कि इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे गायब हो रहे थे। कराची, लाहौर, मंदसौर, मारवाड़, कठियावाड़, मुर्शिदाबाद के व्यापारी बड़ी तादाद में रहस्यमय परिस्थितियों में अपने पूरे के पूरे काफिलों के साथ गायब हो जाते थे। लखनऊ की खूबसूरत तवायफ हो, डोली में बैठकर ससुराल जाती नई नवेली दुल्हने, या फिर बंगाल से इलाहाबाद और बनारस की तीर्थ यात्रा पर आने वाले दल, सभी रास्ते से गायब हो रहे थे। छुट्टी से घर लौट रहे ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों की टोली भी अपनी ड्यूटी पर नहीं लौट रही थी। उनका भी कोई आता पता नहीं था। पुलिस की फाइलें लगातार गायब हो रहे लोगों की शिकायतों से बढ़ती जा रही थी, लेकिन अंग्रेज अफसर चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। आलम यह हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी करना पड़ा, जिसके मुताबिक कंपनी का कोई भी सिपाही या सैनिक अकेली यात्रा नहीं करेगा। यात्रा करते समय सभी सैनिक एक बड़े झुंड में चलें और अपने साथ ज्यादा पैसे ना लेकर चलें। व्यापारी हो या फिर तीर्थ यात्रा पर निकले श्रद्धालु या फिर चार धाम की यात्रा करने जा रहे परिवार, सभी निकलते तो अपने अपने घरों से, लेकिन कहां गायब हो जाते ये एक रहस्य ही था। काफिले में चलने वाले लोगों को जमीन खा जाती है या आसमान निकल जाता है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि पुलिस को इन लगातार गायब हो रहे लोगों की लाश तक नहीं मिलती थी, जिससे पुलिस की तहकीकात आगे बढ़ सकती थी। आखिर कैसे गायब हो रही थी ये लाशें? सन 1809 में इंग्लैंड से भारत आने वाले अंग्रेज अफसर कैप्टन विलियम स्लीमैन को ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगातार गायब हो रहे लोगों के रहस्य का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी। थोड़े ही दिनों में कैप्टन स्लीमैन को यह पता चल गया कि इन लोगों के गायब होने के पीछे किसका हाथ है। इन लोगों को गायब करने वाला था ठगों का एक गिरोह, एक ऐसा गिरोह जो लूटपाट के लिए हत्या करता था। इस गिरोह में करीब 200 सदस्य थे। इस गिरोह का मुख्य था बहराम नाम का यह ठग, जो हाईवे और जंगलों पर अपने साथियों के साथ घोड़ों पर घूमता रहता
उसके निशाने पर होते थे व्यापारी, अमीर सेठ और वैश्याएं। हर वो शख्स जिसके पास धन दौलत होती थी वह ठगों का शिकार बन जाता था। बहराम ठग की लीडरशिप में ही गिरोह के बाकी सदस्य लूटपाट और हत्याओं को अंजाम देते थे। ठगों के खिलाफ विलियम स्लीमैन ने पूरे उत्तर भारत में एक मुहिम छेड़ दी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने विलियम स्लीमैन को ठगी एंड डेकोरेटी डिपार्टमेंट का इंचार्ज बना दिया। इस ऑफिस का मुख्यालय स्लीमैन ने जबलपुर में बनाया। स्लीमैन जानते थे कि जबलपुर और ग्वालियर के आसपास ही ठगों का ये गिरोह सक्रिय है। ये दोनों ऐसी जगह थी जहां से देश के किसी भी कोने में जाने के लिए गुजरना पड़ता था। साथ ही साथ इस इलाके की सड़कें घने जंगल से होकर गुजरती थी, जिसका फायदा ठग बड़े आराम से उठाते थे। एक तो इन सुनसान जंगलों में किसी को भी निशाना बनाना आसान होता था, साथ ही साथ अपने शिकार का काम तमाम करने के बाद यहाँ छिपना भी आसान था। विलियम स्लीमैन ने जबलपुर में अपना मुख्यालय बनाने के बाद सबसे पहले दिल्ली से लेकर ग्वालियर और जबलपुर तक के हाईवे के किनारे जंगलों का सफाया कर दिया। इसके बाद उन्होंने डिटेक्टिव्स का एक बड़ा जाल बिछाया। कहा जाता है कि भारत में इंटेलिजेंस ब्यूरो की नींव भी तभी रखी गई थी। डिटेक्टिव्स की मदद से स्लीमैन ने पहले तो ठगों की भाषा को समझने की कोशिश की। ठग अपनी इस विशेष भाषा को रामोसी कहते थे। रामोसी एक संकेतिक भाषा थी जिसे ठग अपने शिकार को खत्म करते समय इस्तेमाल करते थे। करीब 10 साल की कड़ी मुशक्कत के बाद कैप्टन स्लीमैन ने आखिरकार बहराम ठग को गिरफ्तार कर ही लिया। उसके गिरफ्तार होने के बाद उत्तर भारत में लगातार हो रहे हजारों लोगों के गायब होने का राज खुला। एक ऐसा राज जो सिर्फ उस बेरहम गिरोह को ही मालूम था। गिरफ्तार होने के बाद बहराम ठग ने यह बताया कि उसके गिरोह के कुछ सदस्य व्यापारियों का भेष बनाकर जंगलों में घूमते रहते थे। रात के अंधेरों में जो भी व्यापारियों का काफिला जंगल से गुजरता, नकली भेष धारण करने वाले ठग उनके काफिले में शामिल हो जाते थे। ठगों का ये गिरोह धर्मशाला और बाबड़ी इत्यादि के आसपास ही बेहद सक्रिय रहता था। काफिले के लोगों को जब गहरी नींद आने लगती तो दूर से गीदड़ के रोने की आवाज आने लगती। ये गीदड़ की आवाज पूरे गिरोह के लिए एक सांकेतिक आदेश होता था कि अब काफिले पर हमला बोला जा सकता है। थोड़ी ही देर में अपने गिरोह के साथियों के साथ बहराम ठग वहां पहुंच जाता। सारे ठग पहले सोते हुए लोगों का मुआयना करते। इसके बाद बहराम ठग अपने आदमी को अपना सबसे पसंदीदा रुमाल लाने का आदेश देता। पीला रुमाल मिलते ही बहराम ठग अपनी जेब से एक सिक्का निकालता और रुमाल से एक सिक्का डालकर गांठ बांधता। सिक्के से गांठ लगाने के बाद बहराम ठग एक एक करके सोते हुए काफिले के लोगों का गला घोंट देता। काफिले में शामिल सभी लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद बहराम ठग साथियों के साथ मिलकर जश्न मनाता था। लेकिन जश्न मनाने से पहले उन्हें एक और काम करना होता था। ठग मरे हुए लोगों की लाशों की हड्डियां तोड़ देते। उसके बाद लाशों के टुकड़े करके मौकाए वारदात पर ही एक गड्ढा खोदकर उन्हें दबा दिया जाता। दरअसल काफिले में शामिल व्यापारियों को मारने के बाद बहराम ठग और उसके गिरोह के सदस्य वहीं उनकी कब्रगाह बना देते थे। अगर वहीं उनकी कब्रगाह बनाना संभव ना होता तो उनकी लाशों को पास के ही किसी कुएं या फिर किसी नदी में फेंक दिया जाता था। यही एक वजह थी कि पुलिस को गुमशुदा लोगों की लाश कभी नहीं मिल पाती थी और ना ही इन ठगों का कोई सुराग मिल पाता था। जब तक बहराम ठग और उसके साथी काफिले के लोगों को ठिकाने नहीं लगा देते, तब तक उसके गिरोह के दो सदस्य दूर खड़े हुए पूरे इलाके पर नजर रखते। शिकार का काम तमाम होने तक वे दोनों हाथों में एक सफेद रुमाल लिए हिलाते रहते। सफेद रुमाल से वे दोनों ठगों को इशारा करते रहते कि सब कुछ ठीक है। जैसे ही उन्हें खतरे का अंदेशा होता वे दोनों सफेद रुमाल हिलाना बंद कर देते। सफेद रुमाल नीचे होते ही ठग चौकन्या हो जाते थे। रुमाल हिलने लगता तो वे अपने काम में एक बार फिर से मशगूल हो जाते। अपने शिकार का काम तमाम करने के बाद ठग मौकाए वारदात पर ही जश्न मनाते थे। जश्न के तौर पर जिस जगह मारे गए लोगों की कब्रगाह बनाई जाती थी उसके पहले नाच गाना किया जाता था। कव्वाली का दौर चलता
गाने बजाने से जब थक जाते तो कब्रगाह के ऊपर बैठकर ही वह गुड़ खाते थे। कहते हैं कि ठग जिस किसी भी नए सदस्य को अपने गिरोह में शामिल करते थे तो उसे कब्रगाह पर बिठाकर गुड़ खिलाया जाता था। एक बार कैप्टन सलीमैन ने एक ठग से जब इसका कारण पूछा तो उसने जवाब दिया कि कब्रगाह का गुड़ जिसने भी चखा उसके लिए दुनिया ही दूसरी हो गई। अगर आपने भी तपोनी का गुड़ खा लिया तो फौरन ठग बन जाएंगे। बहराम ठग ने गिरफ्तार होने के बाद ये खुलासा किया कि उसके गिरोह ने पीले रुमाल से पूरे 931 लोगों को मौत के घाट उतारा है। उसने ये भी खुलासा किया कि उसने अकेले ही 150 लोगों के गले में रुमाल डालकर हत्या की है। बहराम ठग की गिरफ्तारी के बाद उसके गिरोह के बाकी सदस्य भी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। बहराम सहित जितने भी इस गिरोह के कुख्यात सदस्य थे उन्हें जबलपुर के पेड़ों पर फांसी देकर मार दिया गया और जबलपुर में ये पेड़ आज भी मौजूद है। गिरोह के जितने भी नए सदस्य थे उनके लिए सलीमैन ने जबलपुर में ही एक सुधार गृह खुलवा दिया। इस बंदी गृह के अवशेष आज भी जबलपुर में मौजूद हैं। कहा जाता है कि हफ्ते में एक दिन जबलपुर में एक बाजार लगता है जिसमें दुकानों के अधिकतर मालिक उन्हीं ठगों की औलाद हैं जिन्हें सलीमैन मुख्यधारा में लाया गया था। कहा तो ये भी जाता है कि सलीमैन का एक पड़पोता इंग्लैंड में रहता है और उसने अपने ड्राइंग रूम में उस पीले रुमाल को संभाल कर भी रखा हुआ है। वही पीला रुमाल जिससे बहराम ठग लोगों को मौत के घाट उतारा करता था और जिसके चलते उसे इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा सीरियल किलर माना जाता है। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।